है, डीजी ट्रैफिक के अधिकार बढ़ाए गए हैं। एसपी डिप्टी एसपी ट्रैफिक की सीआर लिखेंगे, एडीजी ट्रैफिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी लिखेंगे। अब तक एडीजी ट्रैफिक को अधिकार नहीं था, गृह विभाग का संशोधित आदेश, एडीजी को अब पावर दी गई है। गोरखपुर कांड के बाद एडीजी ट्रैफिक की पावर बढ़ी है। एक बार फिर रुक करेंगे अपने ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पावर में इजाफा किया गया है, क्या कुछ वजह बताई गई है और क्या कुछ नई ताकतें होंगी? अब जी जो पद सफेद हाथी की तरह था जी, जिससे कोई अधिकार नहीं थे, ना नाखून था जी, उसको अब उन्होंने मजबूत किया है जी। एम के बसाल को मुख्यमंत्री ने हटाने का आदेश दिया। गोरखपुर में सीओ पर आरोप लगे जी कि वो घूस लेकर डग्गा मार वाहन चलवाते हैं जी, और उसमें उनको निलंबित किया गया है। लेकिन एडीसी की बात जब आई तब अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने सारा खुलासा किया जी। अब जिले में जो एसपी ट्रैफिक होगा, डिप्टी एसपी ट्रैफिक होगा, सीओ ट्रैफिक जी, इनका सीआर चरित्र पंजिका एडीजी लिखेंगे जी। तो ये एक तरह से अब थोड़ा उनका दबाव होगा कि वो एसपी ट्रैफिक को और सीओ ट्रैफिक को कोई आदेश देंगे तो उसका पालन करेंगे वो। तो ये एक तरह से अगर एमके बसाल को सरकार निलंबित कर देती या उनको हटा देती जी, तो एक तरह से उनके साथ अन्याय होता जी, क्योंकि इस आदमी के पास अधिकार नहीं है और उसको किसी दूसरे की सजा मिले जी, ये अपने आप में सरकार के लिए उपहास का पात्र बनने की तरह था जी। आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत सकारात्मक आदेश जारी करके जिम्मेदारी फिक्स की है एडीजी ट्रैफिक की जी। वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के ट्रैफिक विभाग में ये नया फरमान है और नई ताकतें यहाँ पर एडीजी ट्रैफिक को दी गई हैं। बढ़ते आगे, गोंडा से खबर है।